नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। यहां आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बलिया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यकार डॉक्टर केदारनाथ सिंह द्वारा रचित 100 चुनिंदा कविताओं का तेलुगु भाषा में अनुवादित पुस्तक आत्मचित्रण का लोकार्पण बुधवार को डॉक्टर केदारनाथ सिंह की जन्मभूमि चकिया में किया गया। आईजीपी वाराणसी परिक्षेत्र के सत्यनारायणा ने अपने इस पुस्तक को लोकार्पित किया। इस अवसर पर चकिया में साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का जमघट लगा रहा। कार्यक्रम स्व केदारनाथ सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ और के सत्यनारायणा द्वारा डॉक्टर केदारनाथ सिंह पर लिखी कविता के पाठन के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर के सत्यनारायणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो देश अपने महान कवियों का आदर करता है, वही देश विकास करता है। केदारनाथ सिंह बड़े कवि के साथ ही एक बड़े इंसान भी थे। उनकी कविता में गहराई है, संवेदना है। कहा कि मेरे लिए गीता, बाइबल, उपनिषद सब कुछ केदारनाथ सिंह कविता ही है। कहा कि केदारनाथ सिंह की कविताओं का तेलुगु भाषा में अनुवाद कर ऐसा लग रहा है जैसे माँ की रोटी की तरह वे मेरे स्वाद में है। महान व्यक्ति हमारा गाँव में, इस गाँव में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब यह मिट्टी बहुत सौभाग्यशाली है। अब मेरा बात पर आता हूँ, फिर यहाँ तक है। अब मेरा बात यह है, मैंने कैसे इनका कैसे मैं जोड़ गया। मैं कभी ना देखा, ना कभी इनके बारे में सुना, ना कभी इनके बारे में पढ़ा, कभी नहीं है। क्योंकि मैं तेलुगु भाषी हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। जैसे आप हैं तो कई किताबें पढ़ते रहते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं है। पढ़ने का समय कम है, या समय कम या वो कोई बहाना मानो, कुछ भी मानो, मगर पढ़ता कम है, लिखता ज्यादा हूँ, लिखता हूँ, ऐसे ही आदत पड़ गया। तो एक दिन मैं आंध्र प्रदेश में थे, डिप्टेशन में एक पत्रकार आए थे। उन्होंने कहा, सर आप जो कविताएं लिखते हैं, मगर आपके लिए मैं 3 किताबें मैं दे रहा हूँ गिफ्ट के रूप में, ये पढ़ लीजिए। 3 प्रतिनिधि कविताओं का पुस्तक थे, एक निराला का था, एक किसी का, एक और थे, एक केदारनाथ सिंह का था। 3 किताबें, तीनों किताब मैंने टेबल पर रखा, पढ़ने का एक दो बार पलटा तीनों किताबें, पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्या इसमें लिखा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो है केदारनाथ सिंह का किताब मेरा आकर्षण का चीज बन गई। फिर धीरे धीरे उसको एक एक कविता को पढ़ने और डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग समझे, फिर उसका समझ के कुछ एक दो कविताओं पर रटा मारे, फिर नीचे आगे पीछे कैसे भी हो कुछ तेलुगु में लिखा, कुछ व्याख्यान लिखा, समझने का प्रयास किया। तब मुझे लग रहा था कहीं दिल में कहीं छू रहे थे ये, अरे इसमें कुछ और बात है, कुछ गहरी बात है, कुछ और कहना चाहते हैं। वह शब्द सरल सरल शब्द थी, बहुत सरल शब्द था, इतना बढ़िया खूबसूरत शब्द थी, और हल्का हल्का शब्द और गहरा मीनिंग, कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये दुविधा में मैं पड़ गया। चलिए फिर मैंने कहा ठीक है, इसको समझ के ही रहूँगा, कैसे भी, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो कुछ पढ़ते रहे, तब तक वहाँ से मेरा डिप्टेशन पीरियड पूरी हो गई, सीधे मैं वापस यूपी आ गया। बांदा में मेरा पोस्टिंग हो गई थी। तो वो उस समय जो है हिंदी का पंडित कौन लोग है, यहाँ महान जो साहित्यकार कौन है, उसके बारे में इंक्वायरी किया। फिर 2 लोगों को मैंने फोन करके उनके पास गया, जाके मैंने एक दो कविताओं को मैं समझने का प्रयास किया उनके साथ बैठ, तब वो पूरी बात समझ में आ गया। अरे यार खूबसूरत लिखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा है। तो उसके बाद से मैंने मन बना लिया, एक एक कविता पर मैं व्याख्यान लिखूंगा। पहले तो व्याख्यान को लिखना है, तो फिर कैसा, इन 2 जो साहित्यकार या अध्यापक लोग हैं, उन लोगों ने कहा हमारे पास इतना ही समय है, फिर आगे आप जाने, आपका काम जाने। फिर हम फिर जंगल में आ गए, फिर वहां से मैं इलाहाबाद गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।